दोस्तों, मेरा नाम है यास सलीम एंड वेलकम यू टू आवर शो जिसका नाम है टेक्सटाइल पॉडकास्ट। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैं आपसे शो का फॉर्मेट डिस्कस किया था कि हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बहुत बेसिक से और बहुत आसान अल्फाजों में आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि सिर्फ और सिर्फ टेक्सटाइल स्टूडेंट्स को नहीं बल्कि हर उस शख्स को जो कोई नई चीज़ सीखना चाहता है या थोड़ा सा भी केमिस्ट्री में या टेक्सटाइल में इंटरेस्ट रखता है, उस तक ये बात बहुत आसानी से कन्वे हो सके। हम आज पहला टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो है फाइबर। फाइबर फर्स्ट प्रोसेस क्यों है टेक्सटाइल में और आगे इसके क्या क्या प्रोसेस हैं, ये सब जानने के लिए आज जो शख्स हमारे साथ मौजूद हैं वो हमारे साथ 2012 से EVM का हिस्सा रहे हैं। हमने 2012 में एक टेक्सटाइल शॉर्ट कोर्स अरेंज किया था स्पेसिफिकली इंडस्ट्री के लोगों के लिए, तो उन्होंने उस कोर्स को लीड किया था। उसके बाद से लेकर आज तक जितने भी हमारे कोर्सेज हुए हैं वो हमेशा उसको लीड करते आए हैं। मैं इनका पहले थोड़ा सा करियर बैकग्राउंड बताता चलूं कि इनका ये टेक्सटाइल ग्रेजुएट है ITTM से और इन्होंने मास्टर्स किया है टेक्सटाइल में फ्रॉम TIP। अब मैं आपको थोड़ा बताऊं कि ये TIP इंडस यूनिवर्सिटी, ITTM और PHMA ऐसी बड़ी इंस्टीट्यूट्स का हिस्सा रह चुके हैं एज ए लेक्चरर। ये आज SMSB टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल हैं। मैं आपको बताता चलूँ, SMSB टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट इज़ वन ऑफ द बेस्ट टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट अब तक जहाँ पे मैंने विज़िट किया है, क्योंकि इनके पास प्रोसेसेस और टेक्निक्स बताने के लिए बहुत अच्छा स्टाफ मौजूद है इनके पास। तो मैं आपकी सर से मुलाकात करवाता चलूँ, मैं आपको मिलवाता हूँ मिस्टर इमरान साहब से। सर, वेलकम टू द शो, कैसे सर आप? थैंक यू वेरी मच, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। सर, हम मैं आपसे पहले एक छोटा सवाल करूँगा इन सब चीज़ों से पहले, कि बहुत रैंडम सवाल है। इस सवाल का जवाब सर पहली वीडियो में मैंने दिया था और मैंने हमारे व्यूअर्स से भी पूछा था, तो अब मैं क्योंकि आपका अकेडमी के लिहाज से आपका ये आंसर देना मैटर करता है, तो सर व्हाट इज केमिस्ट्री इन योर पॉइंट ऑफ व्यू? ओके, इन जनरल केमिस्ट्री इज बेसिकली द ब्रांच ऑफ साइंस, इट डील्स विद द मैटर एंड कंसर्न विद देयर प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन एटसेट्रा एटसेट्रा, एंड दैट इज फर्दर क्लासिफाइड इन टू डिफरेंट ब्रांचेज लाइक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और भी बहुत सारी ब्रांचेज हैं। फिर हम इसको अप्लाइड केमिस्ट्री में लाते हैं, अप्लाइड केमिस्ट्री से फिर टेक्सटाइल केमिस्ट्री में आता है। सो केमिस्ट्री आहिस्ता आहिस्ता अप्लाई होती होती हम टेक्सटाइल्स पे आते हैं, एंड देन वी कैन से कि दिस इज कॉल्ड एज टेक्सटाइल केमिस्ट्री। तो सर, अब मुझे बेसिकली टेक्सटाइल के बारे में बताएं कि टेक्सटाइल हम कहाँ से उसका प्रोसेस शुरू कर सकते हैं, कहाँ से शुरू होता है, और बेसिकली टेक्सटाइल व्हाट इज टेक्सटाइल? देखिए, जनरली एज फार एज स्टूडेंट्स आर कंसर्न, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि टेक्सटाइल का जो लफ्जी मतलब है वो है टू वीव। इट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, बट इन ब्रॉड स्पेक्ट्रम इट कैन बी कॉल्ड एज फ्रॉम फाइबर टू फिनिश्ड गुड्स। बट जनरली जब हम बात करते हैं ना टेक्सटाइल्स की, तो देखें ह्यूमन लाइफ की जो नीड्स हैं वो तीन हैं, ठीक है, क्लोदिंग, शेल्टर एंड फूड, और ये बुनियादी चीज़ें हैं। आप टेक्सटाइल से इनकार कर ही नहीं सकते। अब ये बुनियादी चीज़ें, उसमें कपड़ा पहनना है, ओढ़ना है, बिछोना है, इसके अलावा चारा नहीं है हमारे पास। विदाउट टेक्सटाइल देयर इज़ नो लाइफ, ठीक है। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ, अपने स्टूडेंट से भी कहता हूँ कि इसकी इम्पोर्टेंस देखनी है तो वन मस्ट थिंक फॉर अ मिनट योर लाइफ विदाउट टेक्सटाइल। आप इमेजिन नहीं कर सकते, अजीब सी बेचैनी हो जाती है जी, कि आप सिर्फ ये सोचें। जनरली भी हम देखें, एक बच्चा जब पैदा होता है माँ की गोद से लेकर कहाँ कहाँ वो एक्सपोज हो रहा है टेक्सटाइल में, और जब वो एट द एंड कब्र की गोद में चला जाता है तब भी टेक्सटाइल है। आप सिर्फ एक मिनट के लिए इमेजिन करें तो आपको जो पिक्चर है बड़ी क्लियर हो जाएगी कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट ऑफ टेक्सटाइल। सर, आपने बहुत अच्छी बात की है। इस बात को जब हम इसको पॉज लेंगे तो मैं आपसे भी ये सवाल करूँगा कि थिंक अ मिनट इन योर लाइफ विदाउट टेक्सटाइल। सर, आगे सर अब इसका फाइबर के जैसा हमने डिस्कस किया, तो सर व्हाट इज फाइबर बेसिकली? देखिए, टेक्सटाइल इन ब्रॉड स्पेक्ट्रम, जब मैंने बोला आपको कि दैट इज़ फ्रॉम फाइबर टू फिनिश गुड्स, ठीक है,
आम तौर पे जब हम डिस्कस करते हैं कि टेक्सटाइल इज बाइफर्गेटेड इनटू थ्री, नंबर वन अपैरल एंड अपैरल टेक्सटाइल, होम टेक्सटाइल एंड इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल, एंड दिस इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल इज फर्दर बाइफर्गेटेड इनटू 12 टेक्निकल टेक्सटाइल्स वगैरह हम कहते हैं। ये तो एक जनरल टेक्सटाइल हो गए, क्योंकि हमारे अजहान में जो चीज़ होती है वो सिंपल ये होती है कि सिर्फ कपड़ा पहनना जो है ना वो टेक्सटाइल है, बट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन टेक्सटाइल्स। आपकी एग्रीकल्चर में टेक्सटाइल है, आपकी कंस्ट्रक्शन में टेक्सटाइल्स है, आपकी मेडिकल में टेक्सटाइल्स है, ठीक है। तो ये तो सिंपल ब्रॉड इनमें बच्चों को बताना भी चाहिए कि सिर्फ कपड़ा पहनना ओढ़ना टेक्सटाइल नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। टेक्सटाइल का जो प्रोसेस है ना, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द फाइबर, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा फाइबर टू फिनिश गुड्स, अब ये फाइबर है, फाइबर से यान बनेगा, जनरली हम इसको स्पिनिंग कहते हैं, फिर जब धागा बन जाता है, यान बन जाता है, उस यान को हम कन्वर्ट करते हैं इनटू फैब्रिकेशन, फैब्रिकेशन फिर और मजीद क्लासीफाई होती है इनटू वोवन, इनटू निटेड एंड इनटू नॉन वोवन टेक्नोलॉजी, फिर जब फैब्रिकेशन हो जाती है फिर हम उसकी वेट प्रोसेसिंग करते हैं, एंड अगेन वेट प्रोसेसिंग इज फर्दर क्लासीफाइड इनटू 4, टेक्सटाइल प्री ट्रीटमेंट, टेक्सटाइल डाइंग, टेक्सटाइल प्रिंटिंग एंड टेक्सटाइल फिनिशिंग। बट अगेन टेक्सटाइल इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स। फाइबर है तो फिनिश गुड है, अदरवाइज कुछ नहीं है।